नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YPMS के सेकंड पार्ट में, यानी कि योर प्रॉब्लम माय सॉल्यूशन, जो हमारी सीरीज चल रही है उसके सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम किस पर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कोड आपसे पूछा जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। इस तरह से जब आप भरेंगे तो सेकंड स्टेप में इस तरह का स्टेप आता है आपके पास। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस तरह का आपसे डिटेल्स वगैरह पूछी जाती है। यहाँ पर आपको 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी, जहाँ पर आपको पास स्टेटस बताना होगा अपना, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग और ऑब्लिक अपीयरिंग आपको बताना होगा। अगर आप अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग बताना होगा, अगर आपने पास कर लिया तो ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाइंग एग्जाम कोड पूछा जाता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन रहता है कि सर मेरे अकॉर्डिंग कौन सा कोड मुझे फिल करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल पर इसी पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में सभी कोड्स के बारे में बता दूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोड यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कौन सा आपको कोड फिल करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीट से रिलेटेड और बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोड वन किन किन को यूज़ करना है। कोड वन उन स्टूडेंट को यूज़ करना है जिन्होंने इस साल 12th में अपीयरिंग है, ठीक है, जो स्टूडेंट 12th अपीयरिंग है इस साल, ठीक है, पास करे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट का वेट है, तो ऐसे स्टूडेंट को कोड वन यूज़ करना है और वहाँ पर अपीयरिंग चूज़ करना है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अपीयरिंग चूज़ करके कोड वन यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कोड टू किन किन स्टूडेंट को यूज़ करना है। तो कोड टू उन स्टूडेंट को यूज़ करना है जो 12th पास हैं ऑलरेडी, ठीक है, पास कर चुके हैं, और या फिर यूँ कह लें प्योरली ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। ड्रॉपर जो स्टूडेंट है वो भी कोड टू यूज़ करेंगे, 12th पास स्टूडेंट भी जो है कोड टू यूज़ करेंगे। ड्रॉपर से मतलब नहीं कि आप एक साल ड्रॉपर हैं, दो साल ड्रॉपर हैं, तीन साल ड्रॉपर हैं, आप ड्रॉपर हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं प्योरली कंटिन्यूसली, तो आप कोड टू यूज़ कर लीजिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स में एडमिशन ले लिया, नॉन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, एलएलबी हो गया, ये कहीं से भी साइंस स्ट्रीम के जो हैं कोर्सेज नहीं है, तो अगर आपने इसमें भी एडमिशन ले लिया तो भी आप कोड टू यूज़ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो इस साल 12th अपीयरिंग थे लेकिन रिजल्ट आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उससे पहले आपका रिजल्ट आ गया, आपके पास ईयर ऑफ पासिंग है, तब आप कोड वन यूज़ करें या कोड टू यूज़ करें, तो आप दोस्तों कोड टू यूज़ करिए क्योंकि आप 12th पास हैं, है ना, क्योंकि आपके पास ईयर ऑफ पासिंग है। तो यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, अगर आपका रिजल्ट आ गया अपीयरिंग स्टूडेंट में से किसी का भी आप में से, तो यहाँ पर आप पास चूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग में 2021 चूज़ करेंगे और यहाँ पर कोड टू अप्लाई कर देंगे, कोड टू फिल करेंगे, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है एप्लीकेशन को भरने से पहले। अगर रिजल्ट नहीं आया तो सिंपली कोड वन यूज़ कर लेना और अपीयरिंग चूज़ कर लेना इसमें, ठीक है, थैंक यू। अब बात करते हैं कोड थ्री किन किन स्टूडेंट को यूज़ करना है। तो ऐसे कुछ स्टेट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें 12th बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर यूँ कह लें सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की जगह इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ये जो है इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है 12th बोर्ड की जगह। तो आप अपनी मार्कशीट देख लीजिए, अपनी मार्कशीट पर वहाँ पर मेंशन होता है कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या प्री डिग्री है, अपनी 10th एंड 12th की मार्कशीट देख लें। तो अगर आपने जो है इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो आप कोड थ्री यूज़ करेंगे। जिन भी स्टेट में इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है 12th बोर्ड की जगह, उन स्टूडेंट के स्टूडेंट को उन स्टेट के स्टूडेंट्स को कोड थ्री यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कोड फोर किन किन स्टूडेंट को यूज़ करना है। तो कोड फोर उन स्टूडेंट को यूज़ करना है जिन्होंने 12th पास करने के बाद प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के देने के बाद में किसी मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, जैसे कि आयुष कोर्सेज हो गए, BAMS, BHMS, BMS, या डेंटल कोर्सेज BDS वगैरह में एडमिशन ले लिया, या फिर फार्मा, BSc, नर्सिंग कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें एडमिशन ले लिया है और नीट के लिए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कोड फोर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को इसी में कन्फ्यूजन होता है कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि एडमिशन लेते हैं, जैसे कि BAMS में एडमिशन ले लिया, BDS में एडमिशन ले लिया, लेकिन नीट की तैयारी करते हैं, तो उन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि कोड टू यूज़ करें या कोड फोर यूज़ करें। देखिए सिंपली आप कोड फोर यूज़ कर लीजिए, लेकिन कोड टू यूज़ भी करेंगे, कोड टू जो है यूज़ करेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है ड्रॉपर वाला कोड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ठीक है। तो कोड फोर या कोड टू में से जो भी आपको सही लगे आप जो है फिल कर दीजिए। बात करते हैं कोड फाइव किन स्टूडेंट को यूज़ करना है। तो कोड फाइव उन स्टूडेंट को यूज़ करना है जिन्होंने थ्री ईयर जो डिग्री कोर्स होता है, जैसे कि BSc हो गया ना, BSc थ्री ईयर का एक कोर्स है, उसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं अगर, और उसके आप फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में, तो आपको कोड फाइव यूज़ कर लेना है सिंपली। अब बात करते हैं कोड सिक्स की। तो कोड सिक्स उन स्टूडेंट को यूज़ करना है जिन्होंने BSc एग्जामिनेशन जो है फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लिया, यानी BSc पास आउट स्टूडेंट को कोड सिक्स यूज़ करना है। और कोड सेवन जो है वो केवल फॉरेन स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने फॉरेन से जो है 11th एंड 12th पास की है, ठीक है, या फिर NRI जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट के लिए है कोड सेवन।
तो आई होप मैंने सिंपली सभी कोर्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर कोई भी फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम काउंसलिंग के भी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।